देशों में लोग थू थू कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे 56 इंच के सीने का अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मन की बात करने के लिए 2 मिनट में वो हाजिर हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात हो तो मन की बातें करेंगे, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, थाली बजाओ। मतलब एक प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि जो प्रधानमंत्री के बारे में सोच के अजीब सा एक शर्म आती है, एक दर्द होती है कि हमारे देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा न कि अगर रोड पे कोई भाजपा का नाम ले लिया तो लाखों की संख्या में जनता ऐसे भाजपा वालों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी कि कहीं भाजपा का नाम निशान नहीं रहेगा। भाजपा के लोग लीडर जो हैं वो ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं पता लगे कि दो चार। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसर रवीना। आदिवासी लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं इस मांग को लेकर कि इतने समय से उनके खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति जो घटनाएं देश में हो रही हैं वो सहनीय नहीं है और सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं। इस चीज़ पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और बातचीत भी होनी चाहिए कि आदिवासी लोगों पर इतनी प्रताड़ना हो रही है। इसी चीज़ में आज इनके धरने को समर्थन करने के लिए राजकुमारी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जो देश भर में जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उन पर बातचीत करते हैं और ये लोग आदिवासी लोग जो आज यहाँ आए हैं उन लोगों के समर्थन में आई हैं, इसीलिए ये जानना चाहेंगे मैम सबसे पहला सवाल तो आपसे कि आज आदिवासी लोग सड़कों पर उतरे हैं, मणिपुर के लोग तो लगातार जंतर मंतर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 90 जिससे मणिपुर में शांति नहीं बन पाई है। अब आप देखिए जो मणिपुर में हुआ है वो बहुत शर्मनाक घटना है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग यहाँ भी बाज नहीं आ रहे हैं कि औरतों को वहाँ रोड पर नंगा घुमाया गया है। यहाँ लोगों सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारी देश की बहन बेटी को, आदिवासी का क्या मतलब है, वो भी तो इंसान है, वो भी हमारे देश के हैं, हमारी बहन बेटी हैं। मोदी जी जाके विदेशों में डंका पीटते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान यही सम्मान है कि हमारे देश में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं? और पार्टी वालों को शर्म नहीं है, भाजपा के लोगों को शर्म नहीं है? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो मणिपुर की बात कर रहा है ना मर्द है। अब आप बताइए, मतलब मनोज तिवारी भाजपा में है तो वो मर्द हैं, दूसरी पार्टी के MP मिनिस्टर MLA हैं वो नामर्द हैं? मतलब हमारे देश में जो घटना घट रही है, जो लोग उठा रहे हैं उनके ऊपर मनोज तिवारी उंगली उठा रहे हैं, तो मनोज तिवारी को शर्म आनी चाहिए कि इस जगह पे अगर मनोज तिवारी के बहन बेटी हों तो क्या मनोज तिवारी ऐसी बातें करेंगे या भाजपा के लोग ऐसी बातें करेंगे? हमारी बहन बेटियों के जो वहाँ कुछ हो रहा है उसको दफनाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। अगर कोई वहाँ का मुद्दा उठा दिया तो फिर वो देशद्रोही है, उसके ED बैठेगी, पुलिस वाले छापा डालेंगे, केस लगेगा, जेल जाएंगे। मतलब जो हमारे देश में हो रहा है भाजपा का ऐसा गुंडाराज चल रहा है कि वहाँ सच्चाई बोलने की किसी को अनुमति नहीं है। आपने बोला कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो भी तो विपक्ष पर यही आरोप लगा रहा है कि मणिपुर को लेकर ही राजनीति की जा रही है, उन लोगों को एक मुद्दा बन गया, चाहे उनके सांसदों का मणिपुर जाना हो, राहुल गांधी का मणिपुर दौरा हो और अब ऐसी सड़कों पर उतरना। बेटा मेरी बात बताओ, मेरी बात का जवाब दो, या आप लोग मीडिया को, आप लोग भी हजारों लोगों से मिल रहे हो, जो मणिपुर में हुआ है क्या मणिपुर का ये जो नंगे महिलाओं को घुमाया गया ये अच्छा है? ये शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। विदेशों में लोग थू थू कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे 56 इंच के सीने का अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मन की बात करने के लिए 2 मिनट में वो हाजिर हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात हो तो मन की बातें करेंगे, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, थाली बजाओ। मतलब एक प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि जो प्रधानमंत्री के बारे में सोच के अजीब सा एक शर्म आती है, एक दर्द होती है कि हमारे देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। मतलब इतने अय्याशी लीडरों की कि पहलवान लड़कियों को ना छोड़े, 12 साल की लड़कियों को ना छोड़े, क्या है हमारे देश में क्या चल रहा है? 70 साल हमारे प्रधानमंत्री चिल्लाते थे, क्या 70 साल में ऐसा हुआ था क्या कि नंगी मार्च निकाला जा रहा है महिलाओं का, नंगा करके उनका मार्च निकाला, ऐसा हुआ था क्या? तो मैं तो देश के लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने देश की महिलाओं को कि अभी भी आँखें खोल लो, भाजपा के लोग हमारी बहन बेटी की दर्द नहीं समझने वाले हैं तो नहीं समझने वाले हैं। आप देखिए ट्रेन में, वही मैं जिक्र करने वाली थी, आपने बोला कि देश में क्या चल रहा है, तो इस वक्त एक हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही है और एक तरफ जो मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में जो हादसा हुआ। अब आप बताइए हरियाणा में जो हुआ वहाँ कह रहे हैं कम से कम 150 लोग पकड़े गए, तो ये क्यों नहीं बताए गए कि जो पकड़े गए वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं?
ये बताओ ना भाई, तुम मुसलमान का डंका पीटते हो, हिंदू का डंका पीटते हो, बस आज हमारे देश में 10-12 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। जितना हिंदू मुसलमान चल रहा है उतने परलय आ रही। पहले एक दूसरे के प्रति प्यार था, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, हमें कोई लेना देना नहीं था। हम अपना कमाते थे खाते थे, मुसलमान अपने मत से मतलब रखते थे, हम अपने से मतलब रखते थे। हाँ, कहीं कोई त्यौहार आया तो वो भी शामिल होते थे, हम लोग भी शामिल होते थे। लेकिन आज तो ना हिंदू मुसलमान को देखना पसंद कर रहा है, ना मुसलमान हिंदू को देखना पसंद कर रहा है। तो जो हरियाणा में घटना घटी है, कम से कम बताओ तो सही को 150 लोग किस जात के पकड़े गए, हिंदू हैं मुसलमान हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो आप ट्रेन की घटना के बारे में पूछ रही हैं, गुजरात से वो लड़के का ट्रांसफर हुआ था, बॉम्बे जा रहा था, गुजरात में पहले था, बॉम्बे जा रहा था, इनकी गाड़ी में सिर्फ बहस हुई है, पार्टी पार्टी के बात में जातवादी पे यही बहस हुई है। उसने क्या बोला, पुलिस वाले ने बोला कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है और भाजपा को वोट देना है, नहीं तो गोली खाओ। ये तो यार गुंडागर्दी है ना, कि खुलेआम उसने ये शब्द बोल के कि योगी मोदी को वोट दो अगर हिंदुस्तान में रहना है, और गोली मार दिया। क्या चल रहा है, बता रहे हैं उसको कि मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में था। अरे जो मेंटली डिस्टर्ब है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो उसको तैनात कैसे किया गया, वो पुलिस की ड्यूटी कैसे कर रहा था, कैसे कर रहा था वो? अगर वो दिमागी प्रॉब्लम था तो क्या कर रही थी वहाँ का सरकार, क्या कर रही थी, उसको नौकरी कैसे मिली, सरकारी नौकरी कैसे मिली, जिसपे जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, रात को निधड़ होके सोते हैं, हमारी बहन बेटी पुलिस वालों पे भरोसा करती हैं कि हमारा वो इंसाफ करेंगे। एक इंसाफ करने वाला इंसान पागल भर्ती किया जा रहा है क्या? काफी बड़ा सवाल। भाजपा अपने आप को बचाने के लिए पागल घोषित कर दे रही है, और मैं पहले ही आप लोगों को चेतावनी दे दे रही हूँ कि जिस दिन वो लड़का जेल से निकला भाजपा ज्वाइन करेगा और भाजपा का एमपी एमएलए बनेगा। अच्छा, मैं वो पहले ही आपको बता रही हूँ। आरपीएफ का जवान जो है वो देख लेना ना, आप देखना पहले जेल से उसको निकलने दो। उसकी नौकरी गई, भाजपा के लिए उसने मर्डर किया, भाजपा के लीडरों को तो ये अच्छी बात हुई ना कि उसने गोली मार दिया 4 लोगों को। ये खौफ फैला रहे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको गोली मारी जाएगी, देशद्रोही हो जाएगा, वो भाजपा शामिल होगा, भाजपा में शामिल होगा, भाजपा ज्वाइन करेगा, आप देख लेना। लेकिन ये चीज़ भी ट्रेन वाले हादसे में हम सामने आई कि वो 3 कोच में गए हैं, जब उन्होंने वहाँ पे एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी वाले लोगों को देखा तब मर्डर किया गया है, ये कितना संवेदनशील। देखिए आजकल जो भाजपा का ये चल रहा है ना, ये लोगों के दिमाग को ऐसे घुमा दिया जा रहा है, लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान और किसी भी हालत में कांग्रेस को इस देश से भगाना है, बस भाजपा को रहना है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने बोला कांग्रेस मुक्त भारत बोले थे, तो मैं आज भी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस कोई दारू की नशा नहीं है कि आप नशा मुक्त भारत बना देंगे। कांग्रेस वो पार्टी है कि जो लोगों के खून में एक भड़कती हुई ज्वाला है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जान की बाजी लगा दी है इस देश के लिए। ये भगत सिंह हो गए हैं ये लोग कि ये गाड़ी में चलते गोली मार दें, और ये मनोज तिवारी सबको नामर्द घोषित कर दे रहे हैं, तो मनोज तिवारी कौन सा ये आपका भगत सिंह का चंद्रशेखर आज़ाद का रोल निभाए हैं कि जो ये मर्द हैं बाकी लोग नामर्द हैं? क्या किए हैं आज तक, कौन सा बड़ा काम कर दिए हैं मनोज तिवारी इस देश के लिए कि ये मर्द घोषित हो गए? और जिस प्रकार से अभी विपक्षी गठबंधन हुआ है उस पर भी मोदी जी काफ़ी तंज कसता हुआ नजर आए थे, और ये भी बोला जा रहा है कि एक मोदी जी के डर से सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। इसका जवाब दे रही हूँ मैं, कांग्रेस के पक्ष में कितनी पार्टी एक साथ हुई है, 26, और मोदी जी के साथ कितने लोग हैं, 36। तो मोदी जी क्यों नहीं बताएं कि कांग्रेस 26 लोगों का गठबंधन कर रही है, वो 36 का कर रहे हैं, इतना शेर हैं, इतना लोग मर्द हैं भाजपा के, तो क्यों गठबंधन क्यों कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। कांग्रेस जो करे तो कांग्रेस गलत है, जो भाजपा करे तो वो मर्द का काम है। क्या है ये देश में, ये क्या चल रहा है, मेरे समझ से तो बाहर। तो अभी जो घटनाएं मैम सामने आई हैं, मणिपुर की बात कर लीजिए और हरियाणा की भी हमने बात की, हरियाणा में जिस तरीके की चीज़ें सामने आई, और अब बाद में जो बयान आ रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती है, सबकी आपस में शांति बनाए रखिए, पुलिस कहाँ थी उस समय, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। 70-75 साल में कहीं की भी सरकार ये बोली है कि पुलिस के बस का नहीं है देश को चलाना, या पुलिस नहीं किसी की सुरक्षा कर सकती, किस लिए पुलिस भर्ती हो रही है, किस लिए पुलिस वाले भर्ती हो रहे हैं, इनको क्यों नौकरी दी जा रही है, फिर पब्लिक अपनी सुरक्षा नहीं कर लेगी, हटाओ फिर थाना ख़त्म कर दो, पुलिस वालों को हटाओ।
खत्म कर दो ये थाना होना, क्या जरूरत है? जब हमारी कोई सुनवाई ही नहीं थाने में, हमारा सपोर्ट ही पुलिस वाले नहीं करेंगे, जब हमें खुद अपना सपोर्ट खुद करना है तो ये थाना पुलिस क्या करेगा? हटाओ इनको, पब्लिक एक हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ना कि अगर रोड पे कोई भाजपा का नाम ले लिया तो लाखों की संख्या में जनता ऐसे भाजपा वालों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी कि कहीं भाजपा का नाम निशान नहीं रहेगा। भाजपा के लोग लीडर जो हैं वो ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं पता लगे कि दो चार साल ये सन 2024 आते आते भाजपा मुक्त भारत ना हो जाए। 2024 में आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखते रहना, अभी पब्लिक अंदर से दुखी हो गई है। जो दो चार कांड हो रहे हैं ना, आप यूपी का देख लो, जो हमारे कांवड़िया वाले आते थे, हम लोग देखो हिंदू हैं, हम शंकर भगवान को मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, माता को मानते हैं, भाई हम सनातनी हैं तो हम भगवान को मानते हैं। लेकिन जो हमारे कांवड़िया वाले बच्चे थे, चलो वो बच्चे थे 20 साल के, 22 साल के, 30 साल के, उनकी कम एज थी, वो बोले कि हम मस्जिद के सामने यहीं डीजे लगाएंगे, यहीं डांस करेंगे। उन्होंने बोला, जो वहाँ के DCP थे, जब वहाँ दंगा भड़की है तो उन्होंने इतना समझदारी का काम, इतना सूझबूझ का काम किया कि बिल्कुल कंट्रोल कर लिए, कोई मरने की खबर नहीं आई कि कोई ख़त्म हो गया या कुछ हो गया, उनको रात रात भगा दिया गया। क्यों भाई ऐसा क्यों? मतलब जो अफसर अच्छा काम कर दिया वो रात रात उसको हटा दिया जाएगा, और जहां मर्डर हो जाएगा, जहां हत्याएं हो जाएंगी, वहां रोटी सेकने का मौका मिल जाएगा। हरियाणा में 6 लोग मारे गए रोटी सेक रही है, TV में बस हरियाणा हरियाणा आ रहा है ना। यूपी में वो इतना अच्छा काम किया, उस आदमी को तो और प्रमोशन होना चाहिए, उसको हटा दिया गया। यही चाहती है भाजपा कि हर जगह हमारी रोटी सिके। हरियाणा में किस प्रकार से आप बोल रहे कि रोटियां सिक रही हैं और मीडिया का भी जिक्र आप कर रहे हैं? हरियाणा में जो दंगा हुआ, वहाँ 6 लोग मारे गए हैं, वहाँ हर पार्टी रोटी सेक रही है, भाजपा के लोग भी अपनी डंका बजा रहे हैं, हिंदू मुसलमान बजा रहे हैं। यूपी में उस अफसर ने इतना बढ़िया काम किया कि एक ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, सबसे तारीफ वाला काम तो उसने किया, उस अफसर का प्रमोशन होना चाहिए, उसको भगा दिया गया। यहाँ पुलिस वाले मारे गए, एक पुलिस वाला ख़त्म हुआ, 5 लोग ऐसे 6 लोग ख़त्म हुए हैं ना, यहाँ रोटियाँ सिक रही हैं, क्या है ये? मतलब आपको हमें आपस में लड़वा के सरकार भाजपा को लाना है, चाहे जितने मर्जी को मरना है मरो, जीना है जियो, भाजपा वालों का कोई मतलब नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आखिर में यही ख़त्म कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि पब्लिक को आपस में लड़वा कर, जो आम जनता है जिनको इतना पता नहीं है कि क्या अंदर तक चीज़ें चल रही हैं, उनको आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकने का काम वहां पर सरकार द्वारा चल रहा है। जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।